चलो दोस्तों, आज हम अपना लेक्चर वन शुरू करते हैं। एमसीएस का सीएस प्रोफेशनल पेपर का ये सिलेबस है, तो इस पे यूट्यूब पे हम सारी क्लासेस डालते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारी वीडियोस एमसीएस की आती रहेंगी। सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं आज हम एमसीएस का, एज पर आईसीएसआई मॉड्यूल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये ना एक बच्चों क्या है, हाई प्रोफाइल लीगल केस है। क्या ये हाई प्रोफाइल लीगल केस? इस केस को शुरू करने से पहले ना, मैंने एक इसके नोट्स बनाए, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके वीडियो के साथ साथ देखते रहो, बेटर है कि आप उसका प्रिंट ले लो और साथ साथ देखते रहो। आपको एमसीएस के लेक्चर्स के साथ नोट्स भी फ्री मिलते रहेंगे वीडियोस के साथ साथ। तो ये मेरे हाथ में क्या है, नोट्स हैं जो मेरे बनाए हुए हैं, तो आप नोट्स डाउनलोड कर लो और शुरू करते हैं लेक्चर। देखो, इस केस को समझने से पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि लीगल बैटल है क्या, लीगल बैटल है क्या, ये लीगल बैटल है क्या। ये इस केस में क्या हुआ था कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन से हटा दिया था। उसके बाद केस हुए, एनसीएलटी में गया, एनसीएलटी में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, और देखते हैं कि कौन जीता कौन हारा। आपको ना सबसे पहले क्या लिखा है कि क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, क्रोनोलॉजी ऑफ आईसीएसआई मॉड्यूल में, आईसीएसआई मॉड्यूल में आपको एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स नहीं मिलेंगे। ये मेरी अपनी रिसर्च है और उस हिसाब से क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स दिए गए हैं। तो इसको पढ़ने से क्या होगा ना, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि केस है क्या, केस है क्या, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले 24 अक्टूबर 24th October 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया और सर रतन टाटा, साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया और सर रतन टाटा को इंटरिम चेयरमैन बना दिया। रतन टाटा जी को उसके बाद 20 दिसंबर को साइरस मिस्त्री की जो कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया, साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में, एनसीएलटी में क्या किया इन्होंने, इसको हम क्या बोलेंगे, एसपी ग्रुप, शाहपुरजी पालुनजी ग्रुप जो कि साइरस मिस्त्री का ही है, इनकी कंपनियों ने क्या किया एनसीएलटी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस लगा दिया। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट सेक्शन 241 से सेक्शन 244 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील करता है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस लगा दिया। उसके बाद इसी बीच में टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स बना दिया। रतन टाटा जी तो इंटरिम चेयरमैन बने थे, एन चंद्रशेखरन जो टीसीएस के सीईओ हैं एंड एमडी थे, उनको क्या बना दिया, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, टाटा सन्स, ठीक है। उसके बाद 9 जुलाई 2018 को क्या हुआ, उससे पहले 6 फेब को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के बोर्ड से भी हटा दिया, टाटा सन्स के बोर्ड से भी हटा दिया, समझ रहे हो। उसके बाद एनसीएलटी मुंबई ने डिसमिस कर दिया साइरस मिस्त्री का केस, क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया और बोला, एनसीएलटी क्या बोला कि टाटा सही है, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। उन्होंने क्या कर दिया, इनका केस, उनकी प्ली डिसमिस कर दी। ये बात इनको अच्छी नहीं लगी,
तो एनसीएलटी के बाद कहाँ चले गए? एनसीएलएटी। एनसीएलटी के बाद कहाँ चले गए? एनसीएलएटी। कौन? एसपी ग्रुप। साइरस मिस्त्री कहाँ चले गए? एनसीएलएटी। अब एनसीएलएटी ने कुछ और ही बोला, एनसीएलएटी ने साइरस मिस्त्री या एसपी ग्रुप के फेवर में सुनाया फैसला। एसपी ग्रुप ने किसके फेवर में सुनाया? साइरस मिस्त्री के केस में, और बोला इनको रिस्टोर करो एज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। रिस्टोर साइरस मिस्त्री एज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, ठीक है। और ये बात टाटा को पसंद नहीं आई, तो टाटा साहब कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने टाटा के फेवर में फैसला सुनाया और साइरस मिस्त्री के अगेंस्ट फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एनसीएलटी ने जो बोला है वो बिल्कुल गलत है, एनसीएलटी ने जो बोला है वो बिल्कुल गलत है, और उसी के बारे में केस है, उसी के बारे में केस है। डिस्कस करते हैं क्या है। ये होगी क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट। ये होगा, ये आपको एक अंदाज़ा लग गया कि केस में हुआ क्या था। आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने फाइव क्वेश्चंस ऑफ लॉ थे, क्या थे? फाइव क्वेश्चंस ऑफ लॉ, उनका जवाब दिया और उन जवाब से प्रूव किया कि टाटा सही है और साइरस मिस्त्री सही नहीं है, कि टाटा सन्स ने जो भी किया वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं था। कितने थे? फाइव क्वेश्चंस ऑफ लॉ, फाइव क्वेश्चंस ऑफ लॉ। एक एक करके समझते हैं क्या क्या थे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ नोट्स में आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग फॉर कंसिडरेशन इज वेदर द फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन बाय एपलेट ट्रिब्यूनल दैट द कंपनीज अफेयर हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रिजुडिशियल और ऑपरेसिव टू सम मेंबर्स एंड द फैक्ट्स अदरवाइज जस्टिफाई द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड इज इन ट्यून विद वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स। कुछ समझ नहीं आया सर, क्या लिखा है? कुछ समझ आया नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो लास्ट पेज पे आ जाओ, आपके रेफरेंस के लिए सेक्शन 242 पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल दे रखा है। सेक्शन 242 क्या दे रखा है? पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। ये क्या कह रहा है सेक्शन 242 में? क्या लिखा है कि अगर अगर किसी पे ऑपरेशन अत्याचार हो रहा है या कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, क्या है, कंपनी के अफेयर्स ऐसे चल रहे हैं कि किसी पे अत्याचार हो रहा है, किसी मेंबर पे अत्याचार हो रहा है या कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है और एंड, तो ये बंदा वैसे क्या कर सकता है? एनसीएलटी के पास जा सकता है। सेक्शन 242 में क्या लिखा है? एंड अगर इसको वाइंड अप करा दिया तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छा नहीं है। अगर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है और एनसीएलटी ने वाइंड अप करा दिया तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छा नहीं है। बट सुनते जाओ, बट जो फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स जस्टिफाई कर रहे हैं वाइंडिंग अप ऑन जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। तो इस सेक्शन का यूज़ करते हुए एनसीएलटी ने अपना डिसीजन सुनाया। सुप्रीम कोर्ट कहता है जब से हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी है ना, जब से हमने आपका डिसीजन पढ़ा, हमारे तो समझ नहीं आ रहा आपने किया क्या है। ये आपने कर क्या दिया हम तो परेशान हैं। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कहता कि सारी बात छोड़ो, हमें बस इतना बता दो कि टाटा सन्स जैसी कंपनी को वाइंडिंग अप कराना, टाटा सन्स जैसी कंपनी को कौन सा ऐसा फैक्ट है जो जस्टिफाई करता। हमारे तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा फैक्ट है
जो जस्टिफाई करता है कि टाटा सन्स का वाइंडिंग अप हो जाए। आपने इसी इसी सेक्शन का यूज़ किया है ना, आपने इसी सेक्शन का यूज़ किया, आपकी आपने इसी सेक्शन की पावर ली है, आपने इस सेक्शन की पावर लिया और आप कह रहे हो कि फैक्ट्स अदरवाइज जस्टिफाई, ध्यान से देखो नोट्स में क्या लिखा है, फैक्ट्स अदरवाइज जस्टिफाई द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। कौन सा ऐसा ग्राउंड है, कौन सा ऐसा जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड आ गया हमें भी बता दो, जो हमारी समझ नहीं आ रहा कि टाटा सन्स जैसी कंपनी का वाइंडिंग अप होना चाहिए, जो टाटा सन्स जैसी कंपनी का वाइंडिंग अप होना चाहिए हमें भी समझा दो। अब ये सुप्रीम कोर्ट इतना 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 जोर लगा के क्यों बोल रहा है ये बात, तो इसके लिए आप आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इतना नोट कर लेना और आगे देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है देख भाई एनसीएलटी है, टाटा सन्स का तू थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेगा तो तेरे को बात थोड़ी समझ आएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये कह रहा है कि टाटा सन्स का 18% के आसपास एसपी ग्रुप के पास है, मतलब साइरस मिस्त्री फैमिली की जो कंपनी है उनके पास है, और टाटा सन्स का 66% टाटा ट्रस्ट के पास है। क्या है, 66% टाटा ट्रस्ट के पास है और ये ट्रस्ट कोई बिजनेस नहीं करती, ये तो चैरिटेबल काम करती है। ये ट्रस्ट क्या करती है, कोई बिजनेस नहीं करती है ट्रस्ट, ये ट्रस्ट तो चैरिटेबल काम करती है। इसका जो पैसा जाता है ये किसी की जेब में नहीं जाता, ये किसी की जेब में नहीं जाता, ये तो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए जाता है। ये किस लिए जाता है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए पैसा जाता है। तो हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा, कि आप कैसे कह रहे हो कि इस कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहता कि अगर टाटा ट्रस्ट का वाइंडिंग अप हो गया ना, तो जितने भी वेलफेयर के काम है एक तो वो रुक जाएंगे। आप यही कह रहे हो ना कि इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी। हम बता रहे हैं आपको कि अगर टाटा सन्स का वाइंडिंग अप हो गया जितने भी वेलफेयर के काम है वो रुक जाएंगे, सोसाइटी के लिए इतना अपलिफ्टमेंट काम है वो रुक जाएगा, और भला किसका होगा ये हमें समझ नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट कहता मेरे को कुछ नहीं आगे सुनना, बस इतना मेरे को अब इस ये सब सुन के ये बता दो कि वाइंडिंग अप कैसे जस्टिफाइबल है, हाउ वाइंडिंग अप इज जस्टिफाइड ऑफ टाटा सन्स, कैसे जस्टिफाइड है बस ये बता दो। सुप्रीम कोर्ट कहता अगर एनसीएलटी ने इन फंडामेंटल क्वेश्चंस पे थोड़ा गौर किया होता तो जो उसने अपना फैसला सुनाया वो उसने शायद नहीं सुनाया होता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ था ये किसके फेवर में जाता है, टाटा के फेवर में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा है। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग फॉर कंसिडरेशन इज वेदर द फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन बाय एनसीएलटी दैट द कंपनीज अफेयर हैव बीन कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल और ऑप्रेसिव टू सम मेंबर्स। अच्छा, वो कह रहा है ना कि ऑप्रेसिव हैं, क्या कह रहे हैं एनसीएलटी, हमें लगता है कि ऑप्रेसिव हैं। सुप्रीम कोर्ट आगे उन सवालों पे भी जवाब देगा, वो आ रहे हैं। ऑप्रेसिव टू सम मेंबर्स एंड द फैक्ट्स अदरवाइज जस्टिफाई वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड इज इन ट्यून विद वेल सेटल्ड प्रिंसिपल एंड पैरामीटर्स स्पेशली इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट that findings of NCLT on facts were not individually and specifically overturned by NCLT. NCLT ने किसके फेवर में सुनाया था, टाटा के फेवर में।
तो सुप्रीम कोर्ट एनसीएलटी को कह रहा है कि आपने इन इसके जो डिसीजन को ओवरटर्न तो किया नहीं स्पेसिफिकली और इंडिविजुअली, और अपना फैसला सुना दिया, ये कैसे कर दिया आपने? आंसर इसका क्या है? बट ऑल दिस, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, बट ऑल दिस आर्गूमेंट्स लूज साइट ऑफ नेचर ऑफ द कंपनी दैट टाटा सन्स इज. एज वी हैव इंडिकेटेड एल्सवेयर, टाटा सन्स इज अ प्राइमरी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी ऑफ विच मेजोरिटी शेयर होल्डिंग इज विद फिलान्थ्रोपिक ट्रस्ट. फिलान्थ्रोपिक ट्रस्ट, द मेजोरिटी शेयर होल्डर आर नॉट इंडिविजुअल और कॉरपोरेट एंटिटीज हैविंग डीप पॉकेट्स इनटू विच डिविडेंड फाइंड देयर वे इफ द कंपनी डज वेल एंड डिक्लेयर डिविडेंड. द डिविडेंड्स दैट द टाटा ट्रस्ट गेट्स आर टू फाइंड देयर वे इवेंचुअली टू द फुलफिलमेंट ऑफ चैरिटेबल पर्पस. चैरिटेबल पर्पस के लिए सारा पैसा जाता है. देयरफॉर एनसीएलटी शुड हैव रेज द फंडामेंटल क्वेश्चन. एनसीएलटी शुड हैव रेज फंडामेंटल क्वेश्चन वेदर इट वुड बी इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी एंड देयर बाय स्टार्व टू डेथ चैरिटेबल ट्रस्ट स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ अनचैरिटेबल एलिगेशन. स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ अनचैरिटेबल एलिगेशन ऑफ ऑप्रेसिव एंड प्रीजुडिशियल कंडक्ट. Therefore, the finding of NCLT that the facts otherwise justify winding up of company under just and equitable clause is completely flawed. आगे एक financial express जो newspaper है उससे मैंने ये लिया. Tata Sons asked how the value of ये Tata Sons ये आगे देखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. ये आपको ICSI मॉड्यूल में नहीं मिलेगी. टाटा सन्स आस्क्ड हाउ द वैल्यू ऑफ 18.4% स्टेक ऑफ SP ग्रुप 18.4% स्टेक ऑफ SP ग्रुप इन द होल्डिंग फर्म वेंट फ्रॉम 60 करोड़ इन 1965 टू 58,000 करोड़. कितना? 58,000 करोड़ इन 2016 इफ द कंपनी हैज बीन मिसमैनेज्ड बाय द रतन टाटा एज एलिज्ड बाय SP ग्रुप. इतना कैसे बढ़ गई तुम्हारे, इतने तुम्हारे शेयरों की वैल्यू कैसे बढ़ गई अगर कंपनी मिसमैनेज हो रही थी? फर्दर द ग्रुप इटसेल्फ नाउ क्लेम दैट इट्स स्टेक इज वर्थ 1.75 लाख करोड़. SP ग्रुप क्या कहता है कि हमारे जो शेयर्स की वैल्यू है ना 1.7 लाख करोड़ की है. नियर अबाउट 2 लाख करोड़ की हमारी शेयर की वैल्यू है आज के डेट में. द वैल्यूएशन ऑफ देयर होल्डिंग रोज फ्रॉम 60 करोड़ इन 1965 टू 58,000 करोड़ इन 2016. येट दे से रतन टाटा रैन द कंपनी सो बैडली दैट इट वॉज फिट टू वाउंड अप इन 2016. हरीश सालवे. टाटा सन्स की तरफ से एडवोकेट कौन था, सीनियर काउंसिल कौन था टाटा सन्स की तरफ से? हरीश सालवे जी, बहुत बड़े एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के. सैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट, सालवे टोल्ड अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े. इस केस को कौन सुन रहा था? एस ए बोबड़े, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही है. कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. That SP Group is in cross appeals, in its cross appeals had claimed valuation of 1.5 lakh crore. They have now asked that they have been given 18% in all downstream Tata companies. As per the latest application, the valuation is now at 1.7 lakh crore. So if we are to go by their claims, it is a strange management. क्या बोल रहे हैं सालवे जी? It is strange management which has mismanaged the company but still taken its valuation from 1 lakh crore to 1.7 lakh crore in 2020. 2017 से 2020 एक लाख से 1.7 लाख करोड़ हो गया. हमें तो समझ नहीं आ रहा ऐसी जो कंपनी मिसमैनेज होती है उसमें इतनी वैल्यूएशन कैसे बढ़ रही है. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ किसके फेवर में आया? टाटा के फेवर में. अब देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है. अब सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट एनसीएलटी से एंड एक सवाल पूछना चाहता है, एक सवाल और पूछना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन ऑफ लॉ, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ लॉ, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है, पहले तो ये बताओ, क्या जो रिलीफ ग्रांटेड थे, जो आपने रिलीफ ग्रांट किए हैं, whether they are in consonance with relief sought। भाई कुछ रिलीफ मांगे होंगे, तो आपने जो रिलीफ दिया है, जो आपने रिलीफ दिया है, वो क्या इन अग्रीमेंट है, इन अग्रीमेंट है विद रिलीफ सॉट, इन अग्रीमेंट है विद प्लीडिंग्स मेड, कुछ प्लीडिंग्स की होंगी उन्होंने, किसने, साइरस मिस्त्री ग्रुप या एसपी ग्रुप ने कोई प्लीडिंग्स की होंगी, क्या जो रिलीफ सॉट थी, जो प्लीडिंग्स उन्होंने की थी, उस हिसाब से आपने रिलीफ ग्रांट किया है, कुछ और कर दिया? और एक चीज और, पावर्स अवेलेबल विद ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 242 सबसेक्शन 2। आपको 242 सबसेक्शन 2 लास्ट पेज पे दिख जाएगा, नोट्स के लास्ट पेज पे 242 सबसेक्शन 2 दिख जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साइरस मिस्त्री ने और या एसपी ग्रुप ने क्या मांगा था, वो तो कह रहे थे कि हमें रिस्टोर करवा दो या रीइंस्टेट करवा दो चेयरमैनशिप, क्या रिस्टोर क्या करवा दो, रिस्टोर करा दो चेयरमैनशिप इन टाटा सन्स। उन्होंने तो ये रिलीफ मांगी थी, ठीक है, आपने रिलीफ दी क्या? आप ये तो था रिलीफ सॉट, ये क्या था, रिलीफ सॉट, और रिलीफ ग्रांटेड क्या था? रिलीफ ग्रांटेड में देखो क्या क्या है, रिलीफ ग्रांटेड में एक तो रीइंस्टेट, एक तो क्या आया है, रीइंस्टेट या रीस्टोर साइरस मिस्त्री को चेयरमैनशिप। दूसरा रिलीफ देखो क्या आया है, दूसरा रिलीफ क्या है, एनसीएलटी ने बोला कि टाटा सन्स आपका एक आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये आर्टिकल 75 ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन कहता क्या था, ये आर्टिकल 75 ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता क्या था कि अगर टाटा सन्स चाहे ना, टाटा सन्स चाहे तो एक एसआर पास करके किसी मेंबर के ऑर्डिनरी शेयर्स खरीद सकता है या फिर शेयर्स खरीद सकता है। आगे देखो, इसके बारे में अभी आगे डिस्कशन होगी। तीसरा देखो, रिस्ट्रेन कर दिया रतन टाटा जी को एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स को फॉर टेकिंग डिसीजंस इन एडवांस। और
सेटिंग असाइड द कन्वर्जन ऑफ टाटा सन्स इंटू प्राइवेट लिमिटेड, इसमें क्या हुआ था ना, टाटा सन्स एक प्राइवेट कंपनी थी पहले, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ अमेंडमेंट की वजह से लॉ में इनको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने फिर अपने आप को कुछ टाइम बाद प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। इन्होंने कन्वर्ट तो कर लिया था अपने आप को प्राइवेट कंपनी में, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आ गया था इनका प्राइवेट कंपनी का, बट अपने आर्टिकल्स में ना इन्होंने अपने आर्टिकल्स को अमेंड नहीं किया। अभी देखते हैं, इसके बारे में भी ना डिटेल डिस्कशन आगे आएगी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि NCLT आपसे रिलीफ सॉर्ट तो रिस्टोर ऑफ चेयरमैनशिप का था, आप तो कंपनी वाइंड अप कराने पे आ गए, आप तो क्या कराने पे आ गए, कंपनी वाइंड अप कराने पे आ गए, आप तो ये कहते हैं कि इट इज द फैक्ट, आप क्या कहते हैं, द फैक्ट्स जस्टिफाई द कंपनी शुड बी वाइंडिंग अप, द कंपनी शुड बी वाइंडिंग अप, द फैक्ट्स अदरवाइज जस्टिफाई द कंपनी शुड बी वाइंड अप, आप तो ये बोल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो दवा है ना, दवा वो बीमारी से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकती, जो दवा है वो बीमारी से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकती, बंदा बीमारी से तो ना मरे पर दवा से जरूर मर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी प्रोवाइड अ रेमेडी वर्स देन डिसीज, द ऑब्जेक्ट शुड बी पुट एंड टू मैटर्स कंप्लेंट एंड नॉट टू द पुट एंड टू कंपनी इटसेल्फ, कंपनी को वाइंड अप नहीं कराना, बस जो मैटर्स आपको कंप्लेन किए थे उनका आपको तो हल देना है, वो भी एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ। आगे देखो क्या लिखा है, द ट्रिब्यूनल शुड ऑलवेज कीप इन माइंड द पर्पस फॉर विच रेमेडीज आर अवेलेबल अंडर दीज प्रोविजंस। ट्रिब्यूनल को क्या हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस पर्पस के लिए हमने आपको पावर दे रखी है, किस पर्पस के लिए लॉ बना है, ऑब्जेक्टिव क्या है लॉ बनने का, हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि कंपनी ही वाइंड अप करा दो, कंपनी वाइंड अप की पावर जरूर है आपके पास, पर ये नहीं कि आप हर कोई कंपनी वाइंड अप कराते फिरोगे, आपको फैक्ट्स एंड सरकमस्टांस देखने हैं केस के कि कहाँ कौन सा फैक्ट, कौन सा सरकमस्टांस, कौन सी कैसी सिचुएशन आई है, उस हिसाब से आपको फैसला देना है, ये नहीं कि वाइंड अप करा दो कंपनी का। If so done, it will be clear that NCLT could not have granted reliefs of reinstatement of chairman. देखो क्या है ना, ये जो relief ये grant की है ना, ये भी गलत है। ये जो NCLT ने बोला ना कि restore करो chairmanship, ये भी गलत है। क्यों गलत है? पहले तो देखो इसके reason क्या है। एक कि जो वो period था ना, उनका पीरियड था चेयरमैनशिप का, वो 2019-20 तक वैसे भी ख़त्म हो चुका था, चेयरमैनशिप का पीरियड उनका 2019-20 तक वैसे भी ख़त्म हो चुका था। दूसरा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ आर्टिकल 75 पे ही है, उसमें आपको मैं बताता हूँ कि ये जो रिलीफ दिया ये गलत क्यों है, और उससे अगला क्वेश्चन ऑफ लॉ भी ये है। ये सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑफ लॉ समझ आ गया कि जो रिलीफ ग्रांटेड है और जो रिलीफ सॉट है वो क्या होने चाहिए, इन अग्रीमेंट होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आप बिना फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को देख के कुछ भी रिलीफ ग्रांट कर रहे हो। आपको पावर तो दी है पर आपको पावर मिसयूज नहीं करनी, आपके पास पावर तो है पर आपको पावर कैसे यूज़ करनी है एज़ पर दी लॉ। आपको प्रोविजंस के पीछे का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, आपको पर्पस पता होना चाहिए वो प्रोविज़न क्यों है, और उस हिसाब से आपको डिसीजन देना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी
ये नहीं आपकी कोई कोई भी आप रिलीफ दे दो। तो सेकंड क्वेश्चन ऑफ लॉ किसके फेवर में आ गया? टाटा के फेवर में, और किसके अगेंस्ट में चला गया? साइरस मिस्त्री के केस में। थर्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ यही आर्टिकल 75 के रिलेशन में है। टाटा सन्स के एओए में क्या लिखा था ना, टाटा सन्स के एओए में क्या लिखा था कि कंपनी एसआर पास करवा के किसी किसी के शेयर्स खरीद सकती है, किसी के शेयर्स खरीद सकती है। और एनसीएलटी ने क्या बोला कि हमें पता है क्या लग रहा है, हमें पता है क्या लग रहा है कि आप जबरदस्ती फोर्सफुली क्या कर लोगे, हमें लग रहा है, हमें लग रहा है, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप फोर्सफुली क्या कर लोगे, आप फोर्सफुली क्या कर लोगे, एसपी ग्रुप के शेयर्स खरीद लोगे। तो हमने क्या लगा दिया आपके इस आर्टिकल पे, टेम्प्रेरी इंजंक्शन लगा दिया, हमने क्या लगा दी, रोक लगा दी, टेम्प्रेरी इंजंक्शन लगा दिया, रिस्ट्रेन लगा दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आप ये आर्टिकल 75 यूज नहीं कर सकते, आप ये आर्टिकल 75 यूज नहीं कर सकते। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है थोड़ा वो समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट, अब इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ना वो समझते हैं। एनसीएलटी ने क्या किया कि आर्टिकल 75 को इनफेक्टिव कर दिया, आर्टिकल 75 को इनफेक्टिव कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो जो आर्टिकल 75 है ना, ये काफी टाइम से टाटा सन्स के एओए में ऑलरेडी है। क्या ये आर्टिकल 75 बहुत टाइम से इनके आर्टिकल्स में है, और इवन तब भी है जब साइरस मिस्त्री जब कंपनी की टॉप मोस्ट पोजीशंस में था ना, टॉप मोस्ट पोजीशन में था तब भी था, टॉप मोस्ट पोजीशन, जब साइरस मिस्त्री टॉप मोस्ट पोजीशन में था कंपनी की, ये आर्टिकल 75 तब भी था, और साइरस मिस्त्री खुद इन्वॉल्व था जब आर्टिकल्स का टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता था, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट जब होता था तो साइरस मिस्त्री खुद उस सिचुएशन में खुद साइरस मिस्त्री भी इन्वॉल्व होता था। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आज तक टाटा ने आर्टिकल 75 का मिसयूज नहीं किया, आर्टिकल 75 का टाटा ने आज तक कभी मिसयूज नहीं किया, और सेक्शन 241 एंड सेक्शन 242 आपको पावर देता है पास्ट एंड प्रेजेंट जो कि कंडक्ट हो रहे हैं, पास्ट और प्रेजेंट्स प्रीजुडिशियल कंडक्ट हो रहे हैं, जो हार्मफुल कंडक्ट हो रहे हैं, जो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पास्ट और प्रेजेंट में हो रहा है, आपके पास उसकी पावर है, आपके पास फ्यूचर इवेंट्स फ्यूचर कंडक्ट्स के ऊपर सुनाने की कोई पावर नहीं है। अभी तो वो हुआ ही नहीं है, आप अपने आप ही उसको प्रिज्यूम करके इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक टाटा ने उसको कभी मिसयूज़ किया नहीं है, और आप प्रिज्यूम कर रहे हो कि टाटा इसको मिसयूज़ करेगा, आप प्रिज्यूम कर रहे हो इसको टाटा मिसयूज़ करेगा, और इसलिए आप इसको इनइफेक्टिव रेंडर कर रहे हो, ये गलत है एनसीएलटी, ये गलत है, आप इसको इनइफेक्टिव नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट इसके साथ साथ एक चीज़ और बोलता है, कि जो सेक्शन 235 टेक ओवर ऑफ ऑफ अनलिस्टेड कंपनी और सेक्शन 236 स्क्वीजिंग आउट ऑफ माइनॉरिटी, ये आप सीआर के पेपर में पढ़ते हो, दोनों सेक्शन कौन से पेपर में पढ़ते हो, सीआर के पेपर में पढ़ते हो। इसमें ऐसा होता है कि 90%
90% अगर कोई एक्वायर कर लेना टारगेट कंपनी में, तो 10% जो शेयर होल्डर बच जाते हैं उनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, मैंडेटरी एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। बट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो सेक्शन है ना, ये इनकम्पैटिबल है आर्टिकल 75 के। तो हमें नहीं पता दैट वी डोंट नो, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, कहता है कि हमें नहीं पता आप कैसे करोगे ये सारा सिस्टम, पर ये दो सेक्शंस हमारे केस पे लगी नहीं रहे, ये जो दो सेक्शंस है ये हमारे केस पे लगी नहीं रहे, और जो आर्टिकल 75 को इनइफेक्टिव रेंडर किया ये गलत है, इनइफेक्टिव एनसीएलटी नहीं किया ये गलत है, क्योंकि आज तक टाटा सन्स ने कभी मिसयूज किया ही नहीं। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ टू बी कंसीडर इज एज टू वेदर एनसीएलटी कुड हैव इन लॉ म्यूटेड, म्यूटेड का मतलब उन्होंने रेंडर कर दिया इनइफेक्टिव, म्यूटेड द पावर ऑफ कंपनी अंडर आर्टिकल 75 ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू डिमांड एनी मेंबर टू ट्रांसफर इज शेयर, टू डिमांड एनी मेंबर ट्रांसफर शेयर बाई इंजंक्टिंग द कंपनी फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द राइट्स अंडर द आर्टिकल इवन वाइल रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड द आर्टिकल। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, टाटा सन्स ने सुप्रीम कोर्ट में साफ बोल दिया था कि हमारा कोई इरादा नहीं है आर्टिकल 75 को यूज करने का। टाटा सन्स ने खुद ही बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम आर्टिकल 75 को यूज़ करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, हम कोई उनके शेयर्स खरीदने नहीं वाले ज़बरदस्ती, ऐसा कोई हमारा इरादा ही नहीं है। आर्टिकल 75 ऑफ एओए ऑफ टाटा सन्स गिव्स टाटा द पावर वाया एसआर टू स्क्वीज आउट द मिस्त्री फैमिली बाय बाइंग आउट देयर शेयर होल्डिंग एट अ फेयर मार्केट प्राइस। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं एट फेयर मार्केट प्राइस। बट टाटा ने क्या बोल दिया कि हमारा ऐसा कोई मोटिव ही नहीं है, हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं होगा। इट वॉज कंटेंडेड दैट आर्टिकल 75 इज इनकम्पैटिबल विद सेक्शन 235 एंड 236 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 235 इज एप्लीकेबल फॉर सच इंडिविजुअल एक्वायरर और एक्वायरिंग कंपनीज हु होल्ड एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल शेयर ऑफ टारगेट कंपनी टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ 90% ऑफ शेयर होल्डर ऑफ और ऑब्टेन अप्रूवल बाय 90% ऑफ शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी। सेक्शन 235 इज इंडीड एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट मेंबर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड, ये एक्सेप्शन है कि मेंबर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड, उसकी ये एक्सेप्शन है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, वी डू नॉट नो हाउ दिस प्रोविजंस वुड अप्लाई ऑल्सो, ये आगे उसने सेक्शन 235 और 236 के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है दैट दीज प्रोविजंस हैव नो रेलिवेंस टू केस एट हैंड, ये प्रोविजंस का यहाँ पे कोई केस नहीं है, क्योंकि एक तो 90% है नहीं, और 90% और 10% वाली सिचुएशन हमारे केस में बनी नहीं रही। आर्टिकल 75 वॉज रेंडर्ड इनइफेक्टिव बाय एनसीएलटी इन इट्स ऑर्डर एंड इट वॉज म्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइकलीहुड ऑफ मिसयूज। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 241 एंड 242 ओनली प्रोवाइड फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट प्रीजुडिशियल कंडक्ट एंड नॉट फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज। आर्टिकल 75 हैज बीन अ पार्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ टाटा सन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड साइरस मिस्त्री वॉज एसोसिएटेड विद द कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड साइरस मिस्त्री वॉज हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन अमेंडिंग इट। देर वर नो इंस्टेंसिस ऑफ इन्वोकेशन और मिस यूज ऑफ आर्टिकल 75 बाय टाटा सन्स, दस एनसीएलटी डिसीजन वॉज फाउंड टू बी अनसस्टेनेबल। ऑल्सो द प्रेयर ऑफ एसपी ग्रुप इन देयर अपील आस्किंग फॉर मोर इज नथिंग बट अ रिक्वेस्ट फॉर एग्रेवेटिंग द इलीगैलिटी मेकिंग एन ऑफेंस वर्स। ये लास्ट लाइन क्या लिखी है ये आपको शायद समझ नहीं आई होगी। जब एनसीएलटी ने साइरस मिस्त्री के फेवर में केस सुना दिया ना, तो टाटा सन्स ने तो सुप्रीम कोर्ट को अपील करी, एसपी ग्रुप ने भी अपील कर दी। टाटा सन्स ने तो
अपील की ही, एसपी ग्रुप ने भी अपील कर दी, तो उसी के बारे में ये लिखा। एसपी ग्रुप कहता कि हमें जो एनसीएलटी से रिलीफ मिला है ना, वो कम मिला है। रिलीफ मिला है वो क्या मिला है, कम मिला है हमें, तो और ज़्यादा रिलीफ चाहिए। वी आर एंटाइटल्ड फॉर मोर रिलीफ, हमें तो और रिलीफ चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता एक तो तुम्हें वैसे उल्टे सीधे रिलीफ मिल गए हैं, ऊपर से तुम और मांगने आ गए हो। एक तो तुम्हें वैसे ही उल्टे सीधे रिलीफ मिल गया, ऊपर से तुम और मांगने आ गए हो, कोई तुम्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। तो यही लिखा है ये, दैट एसपी ग्रुप वाज आस्किंग मोर रिलीफ। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। क्या हुआ था ना, टाटा सन्स ने तो अपील की थी एनसीएलटी के, उसमें एनसीएलटी के डिसीजन के अगेंस्ट इन्होंने, एसपी ग्रुप ने भी कर दी थी अपील सुप्रीम कोर्ट में कि हमें मोर रिलीफ चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता यार तुम मजाक कर रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो यार, तुम समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट कहता मेरा समझ के बाहर है, आगे चलते हैं। चलो एक्चुअली इस केस में हुआ भी, एक तो हाई प्रोफाइल केस था और ऐसी ऐसी रिलीफ मिल गई थी जो मिलनी नहीं चाहिए थी। और एनसीएलटी बहुत एक बड़ी बॉडी है, एक बहुत बड़ी ज्यूरिसडिक्शन बॉडी है, और उसके उसके द्वारा ऐसा फैसला किया गया ठीक नहीं था। ये जो केस लॉ है ना, इसकी जजमेंट तो बहुत बड़ी है, हमें तो थोड़ा कट शॉर्ट करके पढ़ना है। इसकी जो ओरिजिनल जजमेंट है वो तो बहुत बड़ी है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं और वो बहुत बहुत फ़ायदे में आने वाली है। उसमें बहुत सारे प्रोविज़न इन्वॉल्व है। देखो आर्टिकल्स पे आ गया, सेक्शन 235 पे आ गया, 236 आ गया, 241 आ गया, 242 आ गया, 244 आ गया। उसके अलावा भी बहुत सेक्शंस थे जो इस केस में हिट हुए थे, और बहुत से प्रिंसिपल्स पे बात हुई है। तो उन चीज़ों को आगे के लिए बहुत फ़ायदे होने वाला है, उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। हर बॉडी उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगी। चलो फोर्थ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? फोर्थ क्वेश्चन ऑफ लॉ है एफर्मेटिव वोटिंग राइट्स से रिलेटेड। एफर्मेटिव वोटिंग राइट्स, ये एफर्मेटिव वोटिंग राइट्स होता क्या है पहले ये समझते हैं। ये क्या है? ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। क्या ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है? अगर कोई भी ट्रस्ट है, उसकी शेयर होल्डिंग किसी कंपनी में है, जैसे टाटा सन्स में, टाटा की जो ट्रस्ट है 66% तो ट्रस्ट के पास ही है। दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट और जेआरडी टाटा ट्रस्ट, बहुत सारे ट्रस्ट हैं। तो उसमें क्या होता है ना, ये लोग अपने नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। क्या अपॉइंट करते हैं? अपने नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे। और इनके पास क्या होता है ना, एफर्मेटिव वोटिंग राइट्स होते हैं। ये आर्टिकल्स में लिखा होगा तो ही मिलते हैं एफर्मेटिव वोटिंग राइट्स। ये होते क्या हैं एफर्मेटिव वोटिंग राइट्स होते क्या हैं? ये होते हैं कि अगर कोई भी डिसीजन लेगा ना बोर्ड, कोई भी डिसीजन लेंगे डायरेक्टर्स, तो इन नॉमिनी डायरेक्टर से पहले ज़रूर पूछा जाएगा। अगर बोर्ड को कोई डिसीजन लेना तो इन नॉमिनी डायरेक्टर से ज़रूर पूछा जाएगा। ऐसा क्यों कि देखो, एक जो डायरेक्टर है और एक नॉमिनी डायरेक्टर है, ये तो सिर्फ उसी कंपनी के बारे में सोचेगा जिसमें वो अपॉइंट हुआ है, पर ऐसा इस केस में नहीं है। ये उस कंपनी के बारे में भी सोचेगा जिसमें वो अपॉइंट हुआ है, और उस ट्रस्ट के बारे में भी सोचेगा जिसने उसे यहाँ अपॉइंट किया है। ये यहाँ पे सिर्फ कंपनी के प्राइवेट मैटर्स होंगे उसके बारे में सोचेगा, ये कंपनी के मैटर्स में भी सोचेगा और पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक इंटरेस्ट में भी सोचेगा।
तो एफर्मेटिव वोटिंग राइट्स देने जरूरी हो जाते हैं, एफर्मेटिव वोटिंग राइट देने जरूरी हो जाते हैं। साइरस मिस्त्री ने क्या बोला कि इनको ना जो इनके पास एफर्मेटिव वोटिंग राइट्स है इन्हें कम कर दिया जाए, इन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, क्योंकि जो ये नॉमिनी डायरेक्टर्स है ना ये डिसीजन नहीं लेने देते, ये क्या करते हैं डिसीजन नहीं लेने देते और यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है। ये जो नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं जो ट्रस्ट से डायरेक्टर्स आते हैं डिसीजन नहीं लेने देते, डिसीजन डिले होते हैं इनकी वजह से और ये एफर्मेटिव वोटिंग राइट्स कम किए जाएं और ये एफर्मेटिव वोटिंग राइट्स एसपी ग्रुप को भी मिले। ऐसा साइरस मिस्त्री ने बोला कि एफर्मेटिव वोटिंग राइट्स हमें भी मिले और ये जो ट्रस्ट के पास जो वोटिंग राइट है ये कम हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली बात तो ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इंडिया में नहीं चलता, और दूसरी बात ये डिसाइड होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है तो अफर्मेटिव वोटिंग राइट्स मिलेंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाइंडिंग होता है कंपनी पे और मेंबर्स पे, कोर्ट इस बारे में इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर अफर्मेटिव वोटिंग राइट्स दे रखे हैं, अगर कोर्ट इस बारे में इंटरफेयर नहीं करेगा, अगर अफर्मेटिव वोटिंग राइट्स मिल रखे हैं तो मिलेंगे, और अगर आपको नहीं मिल रखे AOA में नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये बिल्कुल लीगल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फैक्चुअली भी करेक्ट है और लीगल भी करेक्ट है, फैक्चुअली भी करेक्ट है और ये लीगली भी करेक्ट है, क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं नॉमिनी डायरेक्टर्स, ये सिर्फ इनका जो मोटिव है सिर्फ प्राइवेट नहीं है, इनका मोटिव प्योर है, पब्लिक एट लार्ज के लिए अनअडल्ट्रेटेड है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, अनअडल्ट्रेटेड है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। NCLAT आप गलत हो, एफर्मेटिव वोटिंग राइट्स अगर AOA में दे रखे हैं तो मिलेंगे और आप इनको नहीं इसको आप गलत नहीं बोल सकते। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे चलते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ लॉ वाज टू बी कंसिडर्ड वेदर द, अच्छा ये आर्टिकल 121 ऑफ AOA ऑफ टाटा सन्स का जो AOA का आर्टिकल 121 था उसमें थे ये। हम सीधा आंसर पे चलते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये वो कह रहा है कि साइरस मिस्त्री कह रहा है कि ये ऑपरेसिव है और प्रीजुडिशियल है, हार्मफुल है, और कोर्ट कह रहा है कि नहीं है, सही है, जस्टिफाइड है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 125 ऑफ आर्टिकल्स ऑफ टाटा सन्स प्रोवाइडेड दैट ऑल द मैटर्स All the Article 121 of Articles of Tata Sons provided that all the matters which required the consent of majority of directors, जिन मैटर्स पे मेजॉरिटी का कंसेंट चाहिए उन मैटर्स को नॉमिनी डायरेक्टर जरूर अप्रूव करेंगे, हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय टाटा ट्रस्ट। साइरस मिस्त्री वॉन्टेड दीज राइट्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन मैटर्स एंड ऑल्सो टू बी एक्सटेंडेड टू नॉमिनी डायरेक्टर्स ऑफ एसपी ग्रुप। हमारे भी नॉमिनी डायरेक्टर्स को ये राइट दे दो, नहीं मिलेंगे। ही ऑल्सो कंटेस्टेड दैट प्रेजेंस ऑफ दीज राइट्स प्रिवेंट द नॉमिनी डायरेक्टर टू मेक अनबायस्ड डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ टाटा कंपनी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एफर्मेटिव वोटिंग राइट्स फॉर द नॉमिनी ऑफ इंस्टीट्यूशन विच होल्ड मेजोरिटी ऑफ शेयर इन कंपनी have already been accepted as global norm. As a matter of fact, the affirmative voting rights as per Article 121 of AOA of Tata Sons confers only a limited right upon the directors appointed by trust under 104B. Article 121 speaks only about the manner in which matters before any meeting of the board shall be decided. Section 10 क्या बोलता है कि articles, आगे क्या लिखा है कि Section 10 of articles, सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि आर्टिकल्स बाइंडिंग होते हैं कंपनी पे भी और मेंबर्स पे भी, बस आगे यही बातें लिखी हुई हैं।
ठीक है, उसके बाद लिखा है कि ऑल्सो डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय ट्रस्ट हैव फिड्यूशियरी ड्यूटी टुवर्ड्स टू कंपनी, वन ऑफ विच इज शेयर होल्डर नॉमिनेटेड बाय देम एंड अदर इज कंपनी ऑन टू हूज बोर्ड दे आर नॉमिनेटेड. उसके बाद लिखा है इफ दिस इज अंडरस्टूड देयर विल बी नो कन्फ्यूजन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ एफर्मेटिव वोटिंग राइट्स. जो इनका मोटिव होता है वो प्योर होता है, अनअडल्ट्रेटेड होता है और पब्लिक इंटरेस्ट में होता है. तो फोर्थ क्वेश्चन ऑफ लॉ भी किसके फेवर में आया, टाटा के फेवर में. अब है फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ लॉ. फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ लॉ कुछ नहीं है, वही है ये कन्वर्जन ऑफ जो पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी टाटा सन्स जो हुई थी उसकी वजह से. वो कहते हैं, एनसीएलटी कहता है कि ये गलत है, आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होने का. सुप्रीम कोर्ट फिर टाटा सन्स के फेवर में बोलते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, उन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया था और इस बारे में किसी को शक नहीं है कि टाटा सन सेक्शन 268 के पैरामीटर्स को फॉलो करता है कि नहीं. इस बारे में किसी को शक नहीं है, सब जानते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी है. इट इज़ वेल नोन दैट टाटा सन्स इज अ प्राइवेट कंपनी और इस बारे में किसी को कोई शक नहीं है कि ये प्राइवेट कंपनी नहीं है. रेफरेंस किसका आता है? सेक्शन 14 का. सेक्शन 14 किस बारे में बात करता है? अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में. सेक्शन 14(1) कहता है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो या पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो तो आपके अपने आर्टिकल्स को अमेंड कर लेना. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये सेक्शन 14 है अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स का और ये सेक्शन कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी का नहीं है. ये सेक्शन कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी का नहीं है. एक तो ये सेक्शन 268 के सारे पैरामीटर्स फॉलो करते हैं, दूसरा इन्होंने अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी अमेंड कर लिया है और ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये सब जानते हैं, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है. देखते हैं क्या लिखा है. द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेटेड फॉर कंसिडरेशन इज टू वेदर द रिकन्वर्जन ऑफ टाटा सन्स फ्रॉम पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्ड द नेसेसरी अप्रूवल अंडर सेक्शन 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और एटलीस्ट एन एक्शन अंडर सेक्शन 43(a)(4) ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2000 टू 2013. आंसर क्या है? इंटरेस्टिंगली इट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड बाय एनीवन दैट टुडे टाटा सन्स सेटिस्फाई द पैरामीटर्स ऑफ सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. द डिस्प्यूट रेज्ड बाय एसपी ग्रुप एंड एक्सेप्टेड बाय एनसीएलटी इज ओनली विद रिगार्ड टू प्रोसीजर फॉलोड फॉर रिकन्वर्जन. डिस्प्यूट क्या है कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, छोटा सा प्रोसीजर आर्टिकल्स को अमेंड करने का फॉलो नहीं किया, यहाँ पर डिस्प्यूट है. एनसीएलटी वाज ऑफ ओपिनियन दैट टाटा सन्स ऑट टू हैव टाटा सन्स को फॉलो करना चाहिए द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 14(1)(b) पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी पे आपको जब कन्वर्ट करना होता तो ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल्स को अमेंड कर लेना 14(1)(b) में, रेड विद सबसेक्शन 2 and 3 ऑफ सेक्शन 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर गेटिंग एन अमेंडेड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सेक्शन 14(a) डज नॉट डील विद इशू ऑफ, ये किसके लिए किस पे डील नहीं करता, इशू ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी और वाइस वर्सा. Primarily, Section 14(1) deals with issue of alteration of articles of company. Incidentally, Section 14(1) also deals with alteration of articles having such conversion. Alteration of articles क्या लिखा है? Alteration of art क्या लिखा है? अपने articles को
ऑल्टर कर लेना, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स हैविंग इफेक्ट ऑफ, जब आपका हैविंग इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, जब आप कन्वर्ट कर लो तो आप अपने आर्टिकल्स को अमेंड कर लेना, जब आप कन्वर्ट कर लो, कन्वर्जन हो जाए, जब आप कन्वर्ट कर लो इसका मतलब वो कन्वर्ट तो हो चुकी है, बस उसने सेक्शन 14 का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। देयरफॉर क्वेश्चन ऑफ लॉ नंबर 5 इज अकॉर्डिंगली आंसर्ड इन फेवर ऑफ टाटा सन्स एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑल द ऑब्जर्वेशन मेड अगेंस्ट द एपेलेंट्स एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आर सेट असाइड। Thus, in fine, thus all the questions of law are liable to be answered in favor of Tata Group. और SP Group की अपील को डिसमिस कर दिया गया और Tata Group की यहाँ पे क्या हुई, जीत हुई। आपके ICSI स्टडी मटेरियल में इतना ही दे रखा है, पांचों के पांचों क्वेश्चन ऑफ लॉ किसके फेवर में आए, किसके फेवर में आए, टाटा के फेवर में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑपरेशन, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ, इतने साल से कंपनी चल रही है, इतने साल से बढ़िया कंपनी चला रहे हैं टाटा साहब, और साइरस मिस्त्री तुम भी तो इन्वॉल्व थे इतने साल से कंपनी में, अगर इतना ही मिसमैनेजमेंट हो रहा था यहाँ तो पहले आ जाते, और अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा था तो कंपनी इतनी ग्रो कैसे कर रही है, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। अब क्या हुआ ना, अब ये आउट ऑफ द बुक है, ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, जो SP ग्रुप है ये कह रहा है कि हमें बाहर निकलना है टाटा सन से, टाटा सन से हमें बाहर निकलना है, और जो हमारा 18.5% स्टेक है ना, 18.4%, इसके हमें पैसे चाहिए। तो कोर्ट ने कहा अपना सेटल कर लो ये मैटर आउट ऑफ द कोर्ट, सेटल कर लो ये मैटर आउट ऑफ द कोर्ट, वही बेटर रहेगा। अगर आपका आउट ऑफ द कोर्ट मैटर सेटल नहीं होता तो यू कैन टेक अ लीगल रूट, आप लीगल रूट या लीगल ऑप्शन ले सकते हैं। अब टाटा सन्स क्या कहता है और रतन टाटा साहब क्या कहते हैं, SP ग्रुप क्या कहता है और टाटा क्या कहते हैं। SP ग्रुप कहता है कि इसका हमें 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ चाहिए, कितना चाहिए, 1.7 लाख करोड़ रुपीस चाहिए, हमारे शेयर्स की इतनी वैल्यूएशन है, बताओ। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे शेयर्स की इतनी वैल्यूएशन है, फिर कह रहे हैं कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, कंपनी ढंग से नहीं चल रही है। रतन टाटा साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा 1.7 लाख करोड़, 70,000 करोड़ से लेके 80,000 करोड़ तक चाहिए, तो बताओ। अभी तक ये मैटर डिस्प्यूट में है, अभी तक इनका कोई फाइनल हल नहीं हुआ है, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, कितने रुपए में, कितने अमाउंट में बात सेटल होती है। अभी अमाउंट देखते हैं कितना सेटल होता है। तो यही था आज का केस, यहाँ केस ख़त्म होता है। देखो ये जो केस है ना ये एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ इसमें आ सकता है, क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं ये मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर किसी कंपनी का, जैसे टाटा ग्रुप का ही, टाटा ग्रुप जैसा ये केस है वैसा ही केस स्टडी दी होगी कि एक ऐसी कंपनी थी, उसके चेयरमैन को रिमूव कर दिया, और टाटा सन्स जैसी एथिक्स वाली कंपनी थी, तो क्या उसका वाइंडिंग अप हो सकता है। आप इस केस का रेफरेंस दे के बता सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि अगर एक केस स्टडी ऐसे आ सकती है कि जो रिलीफ गिवन है और जो रिलीफ सॉट है वो इनकंसोनेंस होने चाहिए, ऐसा आ सकता है। तीसरा ये आ सकता है कि अगर आर्टिकल्स में कोई पावर है और किस उस पावर का कभी मिसयूज नहीं हुआ, तो क्या NCLT या NCLAT उस पावर को रोक सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ये आ सकता है। और क्या आ सकता है इसमें, बस इतना ही आएगा एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा शायद नहीं आएगा। बहुत बड़ा केस लॉ था ये, बुक में भी 2-3-4 पेज का था, ये हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, आपको मैंने बैकग्राउंड भी बता दिया, केस में क्या क्या हुआ वो भी बता दिया, बुक के जो बाहर था वो भी बता दिया, और क्रोनोलॉजी भी बता दिया। तो ऐसे ये MCS की सीरीज़ चलती रहेगी, जिस जिसको MCS के लेक्चर्स लेने हैं
वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पे हम MCS के लेक्चर्स लाते रहेंगे। और ये वीडियो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, जो जो मॉड्यूल 3 दे रहा है CS प्रोफेशनल का। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। चलो टाटा।